has left his family in deep shock. The martyr's family says that they were first informed that Satnam Singh has sustained injuries during that clash that took place. However, later in the night, the family were informed that he is no more. The 41-year-old who joined the army in 1995 is survived by his wife and two children. खबर तो कल मतलब सुबह 11:30 बजे के पास पता चला था. बाकी पहले तो यही था कि मतलब चोट वगैरह ही लगी है. तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरह से उनके पीर पे वार किया, शहीद किया गया हमारे जवान को, आपके पिताजी को भी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही कि उनको याद रख लें थोड़ा बस. बात को भी कोई कार्य करनी चाहिए, करनी तो चाहिए, क्योंकि अगर इतना कुछ होता रहे तो फिर बहुत परिवार जो उजड़ जाएंगे. रोकना चाहिए सब चीजों को. Another brave heart, Naid Subedar Mandeep Singh left behind his 65-year-old mother Shakuntala, his wife and three sisters as he laid his life fighting for the country against the Chinese troops. The 39-year-old hailed from Patiala's Rajpura Tehsil, in fact spoke to his family just a few days back. And now his family is in a state of shock listening to the news of his demise. ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਐਲਏਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ. ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. All the villagers, they are sitting here, they are even mourning for this death, and at the same time that they are also saluting the heroes of this village, because they feel that it is the proud of this village that they had given this person who has martyred for the country. So we have a brother with us, so we will talk to him. So sir, aaj badi dukhad khabar hai ke aapko jo mili hai, to ab aapko last time aapki kab baat hui thi? Hamari ek hafte pehle usse baat hui thi कि मैं उसमें से ले साइड जा रहा हूँ, इसके बाद मेरा मिलाप आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का साधन नहीं है. फैमिली उसकी तीन सिस्टर हैं, उसमें दो विधवा हैं, जो उसका अपना छोटा जीजा जी है, उसकी भी 2016 में डेथ हो गई, जो कि वो 10 सिख में था. उसका दूसरा बड़ा जीजा जी है, वो भी 26 पंजाब से रिटायर है, पूरे का पूरा फौजी रिलेक्टिव है, हम सारे का सारा फौज का रिलेशन है हमारा. लेकिन उसके लिए जो हमारा ब्रदर था, वो एक दलेर था, ताकतदार था, एक दलेर था, एक हौसला बुलंद था उसका हमेशा, क्योंकि वो जो पार्टी में भी उसका हुआ है, वो पार्टी का लीडर था. लीडर के कारण जो उसमें मुठभेड़ की लड़ाई हुई है, छोटी पार्टी तो उन्होंने पहले उसको कैप्चर कर किया, कैजुअल्टी उनकी भी किया है, लेकिन उनके पास कुछ पार्टी उनकी बाद में भाई हैली आ गई है, तो हैली के कारण जो पार्टी आई है, उनको 12 बंदों ने घेर लिया, उसके कारण उसका बाद में चार हमारे उसका, इसीलिए जो 12 लड़के आए हैं, एक सूबेदार सतनाम है, एक मनदीप सिंह है, ये दोनों पार्टी के लीडर थे. लीडर के कारण उनको कैप्चर किया गया, उसके अंदर उनकी कैजुअल्टी ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इसलिए वहाँ भी वो शहीद हो गए. तो शहीद भाई के ऊपर हमारे को फख्र भी है और मान भी है, लेकिन उसका हम घाटा ये पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा गांव के साथ उसका इतना मिलाप था, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कहीं जाना है, बच्चे को ना चाचा चाचा क्यों, ऐसा मिलाप है, सभी से हंसमुख रहता था, छोटे बच्चों को बिस्कुट खिलाना, चाचे बिस्कुट दुकान में जाना, ले जाओ बेटा, वो इतना उसका घाटा नहीं हम पूरा कर सकते, लेकिन उसके हमारे को फख्र भी है और मान भी है, जो कि उसने देश के लिए अपनी शहीदी दी है.